जी आज की जो है मेरी और सिकंदर की सैरी है दही, चीनी वाली दही, जो कि मैंने इसमें चीनी मिला दी है। और रात की जो है रोटी बच गई थी जो कि अब कोई नहीं खाएगा, तो मैंने कहा ये वेस्ट हो जाएंगी, बासी हो जाएगी, कल रोज़ा होगा दिन में हम लोगों का, तो कोई खाएगा नहीं और बच्चे जो है रोटी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए दिन का इंतज़ाम मुझे अलग करना पड़ता है। रोज़ा सिर्फ मैंने और सिकंदर ने रखना है, तो मैंने कहा ये दो रोटी है इसी को दही से खाते हैं। वैसे भी रोज़ रोज़ जो है ना चाय पराठा और जो है ना मतलब इस तरह से चाय रोटी सालन खा खा के बंदा थक जाता है, तो मैं तो भाई सीधी बात है बहुत थक गई हूँ। सिकंदर का भी जो है अब दिल नहीं चाहता सैरी करने का, तो मैंने इसलिए सोचा आज थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसके साथ चाय। तो बस हम लोग जाते हैं सैरी करते हैं और फिर उसके बाद जो है सोचते हैं कि चाय बनानी भी है कि नहीं बनानी है। इफ्तार के बाद कौन कौन चाय पीता है, मज़ेदार से चाय पी के बंदा फ्रेश हो जाता है, चाय पियेंगे और मज़ा आएगा। तक जागने का प्रोग्राम है तो इसीलिए बन रहे हैं यहाँ पे चावल और यहाँ पे सालन, मज़ेदार से जो है हमारे खाने तैयार हैं और लुक देखें इनकी कितनी प्यारी लग रही है। हम हो गए कामयाब, कैसे लग रहा है आपको? ज़बरदस्त, और दोनों साल आ गए। तो ये शीशा मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि इसकी जो है बड़ी बड़ी किल्लत थी, बड़ी किल्लत थी, बड़ी ज़रूरत थी। क्या बोलते हैं इसमें आप किसे भी देख सकते हैं हमारा, ऐसी बात नहीं है, मैं सहूलत कर दिए है ना। तब चलते हैं कमरे में। ये जो है हमारे यहाँ पड़ गए और जब ये चल रही है इतना शोर हो रहा है कि मेरी तो आवाज़ आ ही नहीं रही होगी। तो यहाँ से आप कर लें फिर बाकी का काम मैं कर लूँगी, ठीक है? मैंने कहा ये आप कर लें फिर बाकी का काम मैं कर लूँगी। हो चुकी थी क्लियर, तो पर्दे लगा रही है सब, ऐसे लगा रहे हैं। तो ये जो है पर्दे हमारे काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, ये पर्दे लगा रहे हैं तो हमारी ना पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, क्योंकि जब मैंने मतलब शादी के बाद फर्स्ट टाइम जब पर्दे यूज़ किए थे ना तो वो ये वाले किए थे, पिंक कारपेट, पिंक पर्दे, तो ये उस वक्त के हैं। तो मैं लगा रही हूँ तो मुझे दोनों पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो बताना फ्रेंड ये लग रहे हैं अभी हमने इसमें, तो ये नए ये पुराने हैं, तो अभी फ़िलहाल मैंने ये लगाए हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू पर्दे लाकर भी लगाऊंगी इंशाल्लाह। इसको एक और लगाओ ना, बीच में गैप आ रहा है। नहीं वहाँ पर भी और लगेंगे, तो लगाते हैं फिर मिलते रहते आपसे। तो जी फाइनली हमारे जो है पर्दे लग चुके हैं। अभी जो है मैंने पर्दे यही वाले लगाए हैं, ये पुराने पर्दे थे, लेकिन इंशाल्लाह मैं न्यू पर्दे लेकर आऊँगी और वो भी लगाऊंगी। कैसा लग रहा है आप लास्ट मुझे बताएगा। बच्चों के कमरे में लगा कि पिंक कलर है ना, तो ज़रा पिंक कलर बच्चों के रूम में अच्छा लगता है। तो अभी तो मैंने ये लगाए हैं और इस वाली वॉल पे ये स्टार्स लगे हुए हैं और ये वाली वॉल जो है वो सादी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काम शाम करने, इधर भी मैंने पर्दा लगाया है इस वाली वॉल पर, तो वो जब मैं काम शाम करूँगी तो वो आपको लाजमी दिखाऊँगी मैं क्या करने वाली हूँ उस वॉल के ऊपर भी। तो ये पर्दे जो है बहुत पुरानी यादें हैं मेरी इन पर्दों के साथ, मतलब बहुत पुराने हैं। तो मैंने कहा जब परचेस करूँगी न्यू पर्दे तो जब करूँगी, अभी फ़िलहाल जो है जो रखे हैं अभी उसी से मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको पता ईद आने वाली है तो घर को भी चमकना चाहिए, तो बस इसीलिए मैंने अभी ये वाले लगा दिए हैं।